नमस्कार, सफ़र ज़िंदगी का ट्रैवल प्लस में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज के सफ़र में हम आपको अंता के समीप नागदा मंदिर लेके आए हैं। हम आपको मुख्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भरा। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस में। यम समर्प्यामि नमः तस्य रुद्राय गर्भनाय तस्य नमः शंकराय। ओम श्री गजानन हर हर महादेवाय ब्रह्माधीरतम तमो अद्भुतम तस्य नमः कृपा जगदीशनम हर हर महादेवाय नमः। से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों के ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा। नमस्कार। नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम? शंभुपुरी गोस्वामी। अच्छा, आप कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं? हम कम से कम 100 वर्ष हो गए। मेरे दादाजी करते थे, दादाजी के दादाजी करते थे। अच्छा, मेरे पिताजी ने भी पूजा की, तो काफी पुराना। यहाँ की विशेषता बताइए। ये प्राचीन काल में किसी संत महापुरुषों ने तपस्या किए, गांव से कांत में जंगल था, काली सिंध की नदी के किनारे था। तो संत महापुरुषों ने तपस्या की, उस तपस्या में योग द्वारा उस रास्ते सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते थे योग द्वारा। उसके बाद में जब वो वर्द हुए, उनकी योग शक्ति कमजोर पड़ने लगी, तो फिर उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि प्रभु मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा भाई मैं बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ। तो उन्होंने बाबा ने प्रार्थना की भाई आपका आगमन का कैसे पता चलेगा। तो मेरा आगमन का जब ऐसे पता चलेगा भाई, जैसे अज्ञात गाय आएगी और उसके स्तन से दूध की धारा शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो समझ लेना मैं आ चुका। ये पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा। तो वो जब सामने आया, गाय खड़ी हुई और उसके स्तन से दूध की धारा शुरू हो गई। अच्छा। तो बाबा वहाँ बैठे थे, उन्होंने दर्शन किए। तो डेली नित्य क्रम उनका करने का बना रहता था। तो गाय चराने वाला सोचता था कि यार अपनी ये गाय, अपनी 100 गाय, ये गाय के कहाँ जाती है। तो गाय चराने वाले ग्वाल ने पीछे से पीछे उसका गाय का चुपचाप उसे देखा। तो वो दर से देखा, तो वो दर से देख तो बोले ना दे देखते रुक गए। फिर पर उन्होंने संत महापुरुष ने यहाँ समाधि ले ली, जीव तो नहीं मिट्टी ले ली। अखंड ज्योत 40-50 साल से चल रही है। इसकी एक व्यवस्था समिति बनी हुई है, इसके सदस्य कम से कम 500 सदस्य हैं। अंता के हैं, बोजाखेड़ी के, लायता के हैं, नागदा के हैं, आसपास जितने भी गांव हैं ना, उनके सदस्य बने हुए हैं। तो वो हर साल मीटिंग करके ये ला के पीछे कुंड है, उसके बारे में बताइए आप, उसके क्या महत्व है? ये कुंड भी उस समय से प्राचीन काल से ही शिव जी के नीचे से जल जाता है। अच्छा। पहले तो नजर आता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जल नीचे स्रोत नीचे बैठ गए, वो नजर नहीं आता है और वो नीचे जल जाता है। उसमें नहाने से चमड़ी के कुष्ठ रोग जो भी होते हैं वो मिट जाते हैं। किसी महिला या किसी पुरुष के हवा का प्रकोप हो तो वो भी 14 समावेशा को नहाने से मिट जाते हैं। और किसी की संतान नहीं चलती है तो वो जिसे
सात चौदह से 16 सोमवार का व्रत करता है अच्छा। तो उसके संतान की प्राप्ति भी हो जाती है ऐसी मान्यता है। वो यहाँ शिव मंदिर में प्रार्थना करते हैं या कुंड में नहाने के? कुंड में नहा के यहाँ अभिषेक करा के अच्छा। और फिर अच्छा। और ऐसा कुंड जो बना हुआ है यहाँ इसे कुंड यहाँ सात बने हुए हैं इसी परिसर में थोड़ी दूरी पे यहाँ से 500 मीटर दूरी पे ही एक कुंड फिर बना हुआ है। उससे फिर 300 मीटर दूरी पे ही एक कुंड फिर बना हुआ है। उसमें भी ऐसे किसी गौजारा चलती है एक गौमुख चलती है और आप चाहो तो देख सकते हो। और कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ पर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर कम से कम 1.5 लाख पब्लिक यहाँ स्नान करते हैं। महाशिवरात्रि का मेला लगता है 11 मार्च की आएगी ना हाँ श्रद्धालु करते हैं श्रद्धालु आते हैं कोई बाहर से भंडारा फिर कभी सोमवती मावसी आती है उसमें जैसे भंडारा चलता है कोई आती आए तो निःशुल्क भोजन नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप कहाँ से? अंता के पास में मोलखी गाँव मोलखी जाके आप मंदिर के बारे में सब जानते होंगे तो हम बचपन में यहाँ हुआ है पहले यहाँ पे बच्चा होता था तो बच्चा होने के बाद पहले जो भाई यहीं पर होती थी उसके जड़ूले उतरवाए जाते थे और यहीं पर पूरे घर को आकर के खाना खाने मिल जाए अमावस्या और पूर्णिमा बढ़िया सा होता था और शोर थी चतुर्दशी रहेगी तेरी आस दीपावली के यहाँ पे गाय स्थान था और ये जो कुंड है इसमें पानी एकड़ की दर से पानी आता पड़ता है ऐसा सुना गया है। करीब 70-80 किलोमीटर से ये पानी यहाँ तक आता है इस कुंड में जिसके मंदिर के नीचे वहाँ तक तो आप यहाँ दर्शन करने आते रहते हम बचपन में खूब आए और 10वीं तक पढ़े वहाँ तक हम यहाँ पे 10-10, 15-15 रोज रामायण पाठ किया करते और यहाँ पे खाने पीने का उस टाइम कोई साधन नहीं था सब अच्छा से आया। जी मैं 12 से आया हूँ यहाँ मेरी आस्था है नागदेश्वर भगवान में भोलेनाथ में तो यहाँ दर्शन करने आ जाते हैं हमेशा आते हैं। तो आज क्या आपने यहाँ कोई विशेष आज ये शायद मेरी बच्ची ने यहाँ शिवाभिषेक बोल रखा अच्छा। तो वो दोनों पति पत्नी हैं हाँ। उन्होंने शिवाभिषेक करवाया और बेटे बहू भी शिवाभिषेक करवा रहे हैं अच्छा। आप शिव भक्त हैं आप शिव जी आप पे विशेष कृपा बना शिव जी का ही वो साहब मित्र भक्त और भोलेनाथ की कृपा है जो भी आज जीवन में जिसका कोई नहीं उसका उसके भोलेनाथ हमें मेरा तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि अगर व्यक्ति जीवन में सब जगह तरफ से यथास्थ भी हो गया हो और सारी कोई भी परेशानी हो भगवान शिव की शरण में चला जाए भोलेनाथ सब पे कृपा बनाए रखें सब पर आप पर सब पर कृपा रखें भगवान भोलेनाथ वो तो रखते ही हैं सब पे केवल भक्त की भावना होनी चाहिए। चंद्रमा ललाट पे भस्म है बुझाओ में वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में दूसरों के पास शिव मंदिर के पीछे हम कुंड के नजदीक आ चुके हैं। यहाँ पर गोमुखी से हमेशा पानी निकलता है। यहाँ पे जो हमें अभी अभी पंडित जी से जानकारी मिली थी कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग को आराम मिलता है चर्म रोग ठीक होते हैं दोबारी अगर तो वो ठीक होती है उसका यहाँ तो उपाय अच्छा है तो उसी को भी नज़दीक है यहाँ का मैं तो अभी अभी हमें पंडित जी ने बताया देखिए आप इस कुंड के दर्शन द्वंद्र दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा अमृत सभी में बाट के प्याला विष का तूने खुद पिया नमो नमो जी शंकरा भोरेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा
भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा रुद्रदेव है महेश्वरा जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भरा तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवा शंकरा नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा